नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से भर्ती निकली है, बहुत ही अच्छी खबर है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अप्रेंटिस भर्ती है दोस्तों, 1570 पोस्ट है टोटल, बहुत ही अच्छी खबर है ये। और ये डेट है आपके सामने 25 अक्टूबर का, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इसके लेफ्ट साइड में जो है ये यहाँ पे है एडवर्टाइजमेंट नंबर। अब हम डिटेल में चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे है दोस्तों किस ट्रेड के लिए है ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद रिफाइनरी जोन वाइज है यानी कि जहाँ जहाँ लोकेशन है वहाँ के लिए, और कितने दिन तक टाइम की ट्रेनिंग है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे है दोस्तों जनरल, EWS, SC, ST, OBC या फिर फिजिकल हैंडीकैप के लिए है। तो स्टार्टिंग में जो पोस्ट है उसका कोड है 101 और पोस्ट का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए है ये। कैंडिडेट BSc होना चाहिए दोस्तों, और BSc में सब्जेक्ट आपके होने चाहिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रही बात जोन की रिफाइनरी की, ये है दोस्तों रिफाइनरी की लोकेशन, देखिए गुवाहाटी है और इसी के नीचे है जैसे यहाँ पे बरौनी है, गुजरात है, हालदा, हल्दिया, मथुरा और पानीपत, डिगबोई वगैरह। तो ये लोकेशन का आपने ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है। 1 साल की ट्रेनिंग है दोस्तों, 12 मंथ्स की। अब ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से आपने इसको पूरा चेक करके अच्छी तरह से रीड करके फिर आपने इसको अप्लाई करना है। अब जैसे हम यहाँ पे पानीपत की बात करते हैं इसी ट्रेड के रिगार्डिंग, तो 62 पोस्ट है टोटल मिला के, और ये जनरल SC ST OBC की पूरी डिटेल यहाँ पे है 62। अगर हम दोस्तों यहाँ पे मथुरा की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मथुरा के आपके सामने है 25 पोस्ट सारे सभी कैटेगरीज के मिला के। तो इस तरह से आपने चेक करनी है। आगे जो पोस्ट है दोस्तों उसका नाम है, कोड है 102 नंबर कोड है उसका, ट्रेड अप्रेंटिस, ये फीटर वालों के लिए है। और कैंडिडेट मैट्रिक क्लास पास होने चाहिए, साथ में 2 साल का जो है ITI फीटर कोर्स किया हुआ होनी चाहिए, और ये 12 मंथ्स की ट्रेनिंग है ये भी। और ये पूरी डिटेल है कैटेगरी वाइज यहाँ पे, तो इसको आप जो है अच्छी तरह से जूम करके चेक कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो पोस्ट है दोस्तों, कोड नंबर 103 जिसको हम कहते हैं ट्रेड अप्रेंटिस है, बॉयलर के लिए है। ये भी कैंडिडेट BSc होना चाहिए, ये सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले भी आपने अप्लाई कर सकते हैं, ये 12 मंथ्स की है। और उसके बाद जो है, उसके बाद है दोस्तों टेक्निकल अप्रेंटिस यहाँ पे, ये केमिकल वन के लिए है, कंडीशन सेम है सभी में। इसमें सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे BSc 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा मांगा है 3 ईयर्स डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर रिफाइनरी ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी ये भी। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे पूरी डिटेल मेंशन है। उसके बाद है दोस्तों 105 नंबर टेक्निकल अप्रेंटिस मैकेनिकल वालों के लिए है ये। 3 साल का डिप्लोमा इन्होंने मांगा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, 1 साल की ट्रेनिंग है, पूरी डिटेल ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज। उसके बाद है पोस्ट कोड 106 टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है ये, इसमें भी डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी ये भी दोस्तों। उसके बाद है पोस्ट कोड नंबर 107, ये है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, टेक्निकल अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन में इन्होंने मांगा है दोस्तों 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद है दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए, कैंडिडेट जो है सिंपल BA BSc या BCOM वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये 1.5 साल की ट्रेनिंग रहेगी। इसी के ठीक नीचे 109 नंबर कोड है जो पोस्ट कोड, उसके लिए अकाउंटेंट मांगा है उन्होंने, सिंपल BCOM कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी खबर है दोस्तों, ये BCOM वाले अप्लाई कर सकते हैं और 1 साल की ट्रेनिंग इसमें रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ट्रेड अप्रेंटिस यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है दोस्तों, फ्रेशर अप्रेंटिस वाले, क्लास 10+2 पास होना चाहिए दोस्तों इसमें, सिंपल कोई भी 10+2 पास कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, 1.5 साल की इसमें ट्रेनिंग रहेगी। नेक्स्ट जो है वो है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर वालों के लिए है, यानी कि आपके पास स्किल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात करें तो 10+2 और साथ में स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, किसमें, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ट्रेनिंग वो पीरियड है दोस्तों 1.5 साल का। तो ये थे पूरी पोस्ट, 1574 पोस्ट है दोस्तों सभी जोन्स की, सभी लोकेशंस की मिला के। तो इसमें एक दो मेन पॉइंट्स और है, वो भी आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं दोस्तों। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी 24 साल होनी चाहिए। एज में छूट भी है नियमानुसार, वो भी हम नीचे जाके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है दोस्तों
SCST के लिए बिल्कुल क्लियर मेंशन है ये, SCST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 10 साल की छूट है। फिजिकल हैंडीकैप अगर SCST के हैं तो उनको 5 साल की और ज़्यादा छूट है उनके लिए एक्स्ट्रा, और अगर OBC से हैं फिजिकल हैंडीकैप तो उनके लिए 3 साल की और ज़्यादा छूट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपने अप्लाई करना है दोस्तों, तो ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, साइट जो है यही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, और इसके अंदर है सिलेक्शन का प्रोसीजर वही है दोस्तों, रिटर्न एग्ज़ाम होगा इसके अंदर, मेंशन है क्लियर। और इसमें जो है नेक्स्ट आपने अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है, ये देख लीजिए यहाँ पे है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अप्रेंटिस रिफाइनरी के लिए है दोस्तों यहाँ पे, और डेट जो है डेट का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट रहेगी इसकी 15 नवंबर 2019। तो लास्ट डेट का तो दोस्तों आपने वेट करना नहीं, बिल्कुल आपने तुरंत इसमें अप्लाई करना है, जाके ऑनलाइन जो अप्रेंटिस वाली साइट है उस पर ऑनलाइन जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ये अलग से लिंक भी इन्होंने दिए हैं साइट्स के, इन साइट्स पे भी आप जाके पूरी डिटेल को चेक कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स का भी हम इसमें किसी के नीचे एक बार और कन्फर्म कर लेंगे। ये है क्वेरीज, जिस रिफाइनरी के लिए आपने अप्लाई करना दोस्तों उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो किसी भी प्रकार की क्वेरी आपकी, तो ये फ़ोन नंबर यहाँ पे दिए हैं, या आप मेल आईडी जो है दिए हैं दोस्तों, मेल भी आप उनको कर सकते हैं। अब रही बात लास्ट में इंपॉर्टेंट डेट से, एक बार वो रिपीट कर देते हैं, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 25 अक्टूबर से, लास्ट डेट रहेगी 15 नवंबर 2019, 20 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक जो है एडमिट कार्ड आपके जारी होंगे, उसके बाद जो है रिटर्न टेस्ट आपका होगा 24 नवंबर को, और रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आएगा आपका 29 नवंबर को, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी 4 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2019 तक। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से, मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।